राम गोविंद राव है, इसके पहले मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक हिंदी मूवी रिलीज हुआ था हमारा है स्लमडॉग करोड़पति, उसमें मैंने लीड किया था। और अभी ये सेकंड मूवी डायरेक्टर शिवाजी सर ये मूवी अनाउंस करने जा रहे हैं जिसमें मेरा अहम किरदार होगा। और ये कॉन्टेस्ट है जो फ्रेंड फाउंडेशन ये एनजीओ है, वो एनजीओ एक ऐप्स सोशल ऐप स्टार्स करके, मतलब जो सोशल ऐप पे आजकल जैसे टिकटॉक हुआ, वीगो हुआ, लाइकी हुआ, स्टार मेकर हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐप्स पे आजकल जो आर्टिस्ट पहले जो किसी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए थे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं आप ऐप के ज़रिए, उनके लिए एक कमर्शियल और इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऑफर कर रही है कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, वो है सोशल ऐप स्टार, जिसका फर्स्ट प्राइस है 31 लाख, सेकंड प्राइस है 21 लाख एंड थर्ड प्राइस है 11 लाख। और ये पब्लिक वोटिंग से इसका रिजल्ट आएगा, जैसे कि अगर कॉन्टेस्टेंट अपना वीडियो भेजता है वो वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे डाला जाएगा, उस पर जो पब्लिक लाइक देगी उस पर उसका ये होगा नॉमिनेशन होगा, उसका विनर उसे डिसाइड किया जाएगा। फिर भी काफी सारे स्पॉन्सर्स नजर आ रहे हैं, काफी सारे लोग सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आपने इतने सारे स्पॉन्सर्स को कलेक्ट किया एक साथ? सर मैक्सिमम एक्चुअली ये इट्स अ वेरी बिग इवेंट, ये बहुत ही अच्छा, और आजकल जो क्रेज है सोशल एप्स का या सोशल मीडिया पे जो वायरल होने वाले वीडियोस है वो मैक्सिमम आजकल ऐप के ही वीडियोस, क्रेजी टैलेंटेड लोगों के क्रेजी मूवमेंट्स है, उस वैसी मूवमेंट्स को आप अगर देखेंगे बहुत सारे ऐप पे, तो बहुत ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं पे अपनी एड्स लाइव करती है, वहाँ पे ऐड दिखा रही है और वो इस कॉन्सेप्ट को स्पॉन्सर करने के। लेकिन कंपटीशन बहुत है मार्केट में, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आपका कामयाब होगा ये कॉन्सेप्ट और कितना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं स्पॉन्सर? सर ये फर्स्ट है, दिस इज़ अ फर्स्ट इंटरनेशनल, इसके पहले किसी ने इतनी बड़ी लेवल पे इतना अच्छा मतलब ये सोशल ऐप यूजर्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक अभी तक तो किसी ने अनाउंस नहीं किया है ना, अगर रनिंग हो रहा है जैसे कि हम मार्केट में जानते हैं। सर आप पर्सनली बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवसर के बारे में और आगे जो आप एक फिल्म राजेंद्र की स्टार्ट करवाने वाले हैं उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? यस मैं शिवाजी सारगे DOP एंड डायरेक्शन, पहले भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स किए हैं और वो शॉर्ट फिल्म्स मेरे स्क्रीनिंग लेवल तक पहुँच चुके हैं। और ये जो हमारा कॉम्पिटिशन है जो फोन कट कर देना भाई, ये जो कॉम्पिटिशन है हमारा, मैं एक जीरो से स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे, तो उस पर बहुत सारा मेरे को रिस्पांस अच्छा मिला, तो हम ये बड़ा करने का सोचा। तो क्या कहना चाहेंगे कितना मुश्किल है कितना आसान होगा इस माध्यम से? मुश्किल कुछ नहीं है, जो आप डेली घर पे टिकटॉक बनाते हैं रोज, कोई भी अभी एक मेंबर्स है घर पे कम से कम 2-3 टिकटॉक तो डेली बनाता होगा, आपको सबको पता है मैं किसी टिकटॉक या किसी का कंपनी का प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ। तो ऐसा है कि जो टिकटॉक पे एक्टर है इनमें टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये सब किया। मैम आप पर्सनली बताइए क्या कहना चाहेंगे इस ऐप के बारे में और जिस तरह इसका काम करने वाले हैं आगे चलते उसके बारे में? मेरा नाम रीना भट्टाचार्जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स, फिल्म, शॉर्ट मूवीज, वेब सीरीज सब किए हैं। मुझे जैसे ही पता चला थ्रू गोविंद जी की ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है तो मैं आई हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा, लगता है यहाँ पे अच्छी प्रमोशन होगी उन नए स्टार्सों के लिए जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है उनमें टैलेंट है वो कुछ करना चाहते हैं करके दिखाना चाहते हैं, तो वो लोग ज़रूर अगर यहाँ ज्वाइन करेंगे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इनकी फिल्म जो आने वाली है जिनके लिए इन लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसमें भी उन्हें अच्छी कामयाबी मिलेगी। सर आपने चाहूँगा पर से भी बताएं कैसे जुड़े हैं इससे? मेरा नाम नरेंद्र बुग्गा जी है। गोविंद जी ने जो भी कॉन्सेप्ट लाया है ये कॉन्सेप्ट से टिकटॉक पर जो भी 30 सेकेंड का जो भी वीडियो बनेगा इससे नया कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनसे उनका हुनर बाहर निकल आएगा।
तो गोविंद जी लास्टली ये बताइए क्या आगे का प्लानिंग है, आज तो आप कर ही रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से ब्रांड को क्रिएट करने वाले हैं? देखिए इस कंपटीशन में मैं चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ ऐसे आर्टिस्ट लोगों के लिए जिनके लिए हमने जो प्लेटफॉर्म ओपन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये friendfoundation.co.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ से आप वीडियो भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए वीडियो भेज सकते हैं, वो वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे फेसबुक और यूट्यूब पे, उससे डिसाइड होगा कि कौन इसका फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के लिए। और मोस्ट व्यूअर के लिए आईफोन एक्स है, एक्स है, और मोस्ट कमिट, मोस्ट शेयर, इसके लिए भी प्राइस है, ओनली सिर्फ लाइक पे नहीं है, तो मोस्ट कमेंट जिस वीडियो पे आएंगे उसके लिए भी मिलेगा। और उसके बाद साइमल्टेनियसली प्लस 200 प्लस आर्टिस्ट को इस मूवी में एज एन आर्टिस्ट उनको ब्रेक मिलेगा, उनको अच्छा मौका मिलेगा काम करने का, जो सर की एक अच्छी कहानी उन्होंने इसके माध्यम से बनाई है कि इन लोगों को लेकर के ये फिल्म बनाना चाहते हैं, जो सर उसमें मैक्सिमम नए स्टार्स होंगे। इसकी कहानी है कि एक फिल्म में फिल्म होगी, एक फिल्म चल रही है, उस फिल्म में ये लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं और रियल इंडस्ट्री जो अपनी अभी जो बड़े बिग स्टार्स है उनकी क्या चल रही है, उसमें कंपैरिजन करते हुए ये मूवी चलेगी। इन्होंने मुझे स्टोरी बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इनको हाँ बोल के यहाँ पे हम काम करेंगे। लेकिन ये अच्छा कंपटीशन होगा सबके लिए, आप ज़रूर इस पर पार्टिसिपेट करें, अपने वीडियो भेजें और खुद को एक स्टार, उभरता हुआ स्टार, द राइजिंग स्टार आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज़ होगी, जो आपको मतलब पेटीएम से कर सकते हैं आप, या वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है वहाँ पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस आपको 250 रुपीज़ देनी पड़ेगी जो नॉन रिफंडेबल होगी, और उसके जरिए मतलब वो तो प्रोसेसिंग फीस हर जगह पे होती है, तो आपको उतना तो देना पड़ेगा। टाइम है कि हर वीडियो पे 250 रुपया? सर एक मोबाइल से एक ही वीडियो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से होगा वेबसाइट पे, तो एक मोबाइल एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही वीडियो भेजना है, एक बंदे ने 10-10 वीडियो नहीं भेजने हैं क्योंकि वो कंपटीशन उससे खराब होगा, एक्चुअली एक ही भेजिएगा, एक पर्सन एक वीडियो। मेरा नाम रवि कुमार शिंदे है, मैं एक्शन डायरेक्शन का काम करता हूँ। एक्चुअली मैं अक्षय सर के पास ब्लैक बेल्ट 2 डैन किया हूँ कराटे में, और इसके बाद खिलाड़ी द फाइटर नाम की एक शॉर्ट फिल्म की है मैंने, और अभी स्लम डॉग करोड़पति जो गोविंद सर की मूवी है तो उसमें थोड़ा एक्शन डायरेक्शन का काम किया है मैं। अभी ये मूवी में भी एक्शन डायरेक्शन, कुछ अच्छे स्टंट्स, कुछ अच्छे फाइट के स्टंट करने की सोच रहा हूँ मैं, और इस फिल्म को भी मैं एक्शन डायरेक्शन का ही काम करूँगा। सर आप बताइए। आप? मेरा नाम विनोद कुमार सिन्हा है, बीइंग लायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेट, बहुत अच्छा इन्होंने ऐप ये कर रहे हैं और बहुत अच्छी रिस्पांस मिले गए। आज के दौर में इतनी टिकटॉक अभिभा है, ये है, आज इनके यहाँ अगर रजिस्ट्रेशन होती तो यकीनन मैं इतने दिल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि बहुत बूम करेगा, और हमारी बहुत शुभकामना है कि बहुत उन्नति करे हमारा ये इंटरनेशनल। मंगेश सावंत, बिजनेस प्रमोशन करता मी त्यांच्यावरती इथे आलेलो आहे, आणि लाईनअप त्यांच्यावर पुढे आता पुढच्या काम करता अवश्य होतोय। ऑल द बेस्ट फॉर द सीन। और कितनी खुशी हो रही है आज आप इस इवेंट में आप आए हो, और क्या शुभकामनाएं होगी इंटायर टीम को और सर को, गोविंद सर? मेरा नाम साधना जाधव है। मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ पर, क्योंकि सर ने कुछ नया करने का सोचा है, और नए नए जो आर्टिस्ट हैं उनको उनके लिए एक स्टेज बनाया है, मतलब आगे बढ़ने के लिए जो पीछे रह जाते हैं, स्टेज के पीछे रहते हैं, उनको कुछ मतलब कर नहीं पाते हो, उनको उनके लिए ये सब अच्छा किया है उन्होंने। कर पाएंगे? हाँ, अपना हुनर दिखा पाएंगे। यस, आपका यही कहना है। मैडम आप क्या कहना चाहोगे अपने बच्चे को और किस प्रकार से डायरेक्टिंग को आपकी तरफ से शुभकामनाएं? मेरा नाम दीपाली कांबड़े है, और टिकटॉक करने के लिए मुझे अच्छा लगता है, सर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि सर ने जो वीडियो वो भेजने के लिए कहा था तो उसमें टॉप 5 में सेलेक्ट हो चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और जो ये इवेंट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद और ज़्यादा टिकटॉक बनाओ। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था ना सर, डायरेक्टर शिवाजी सर ने ना एक टिकटॉक कॉम्पिटिशन ऑलरेडी लिया था, अभी हमने इंटरनेशनल लेवल पर लिया है, उन्होंने एक छोटा ट्रायल टाइप लिया था, 10,000 वीडियोस भेजे थे तो उनमें से इनका टॉप 5 में इनका नंबर है। कांग्रेचुलेशन मैडम, इन्होंने टिकटॉक करके भेजा था उनको फेसबुक पे। तो मतलब क्या हम आज मान लेवे कि 31 लाख का जो प्राइस है वो आपको ही मिलेगा?
अभी पता नहीं जो कोशिश करिए डेफिनेटली मिलेगा। सर आज कुछ है प्राइज है आज आज के दिन यहाँ पे कुछ इन लोगों को इनॉग्रेट करेंगे डायरेक्टर शिवाजी सर। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज वीडियो कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, इसका कैसे आप पार्ट हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में और फिर ये ऐप के बारे में कुछ बताएं जी। अच्छा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ वृषाली हटाड़कर। मराठी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, भोजपुरी 5 लैंग्वेज में ऑलरेडी फिल्म्स कर चुकी हूँ। मेरी फिल्म्स आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर सूरज काश्यप जी, ये ग्लोबल ट्रेनर है। इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग्स दिए हैं ग्रूमिंग पे, एक्टिंग स्किल्स पे। और मेरे साथ है मिस्टर गोविंद राव जी, जिनके साथ ऑलरेडी एक फिल्म मैंने की हुई है। और यहाँ पे मिस्टर शिवाजी सारगे जी बैठे हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे और अभी और एक फिल्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये मेरी टीम है, हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, हम साथ हैं। मेरे साथ में आप लोग भी हो क्योंकि आप लोग ही कुछ कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, आने वाले अपकमिंग लोगों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म दिला सकते हो। सो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल स्केल पे। आजकल एक ट्रेंड बना है, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनते हैं, तो ये सब वीडियोस देख के लोग बहुत मतलब सोचते हैं कि मैं स्टार बन गया। हम लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं, स्टेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है, अभी ये जो मोबाइल पे आ गया देखा, ये भी स्टार है। मैं ये नहीं कहती कि ये लोग स्टार नहीं है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, गांव से आए, शहर से आए, इतने दूर से आए, यहाँ बैठे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली उसके बाद हमें एक काम मिलता है, फिर वो काम मतलब फिल्म, सीरियल, व्हाटएवर एक रिलीज होता है, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखने जाए तो स्टार कौन है, ये अगर क्वेश्चन बना, तो कलाकार की कोई बाउंड्रीज नहीं है। कलाकार कोई एक चीज़ के लिए बना हुआ नहीं है कि आप इसमें देखा तो ये कलाकार है, इसमें नहीं देखा तो ये कलाकार नहीं है। शहर का आदमी है तो कलाकार है, खूबसूरत हैंडसम है तो ही कलाकार है। आजकल ये सब बाउंड्रीज एकदम ख़त्म हो चुकी है। सो बेसिकली इन सब बाउंड्रीज को जब हम ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म को लेके आ रहे हैं कि जो टीवी पे नहीं, जो वीडियो ऐप्स पे या यूट्यूब पे कहो, वीवा पे बनाने वाली वीडियोस कहो, टिकटॉक कहो, जो आजकल बहुत ट्रेंड में फेमस हो रहा है कि हर कोई उठ के टिकटॉक पे अपने वीडियोस लोड करता है और लाखों में व्यूअर्स मिलते हैं इनको। सो इन लोगों के लिए बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एक इंटरनेशनल स्केल पे ये लोग जो वीडियोस बना रहे हैं इनको कंपैरिजन करके द बेस्ट वीडियोस चूज करेंगे और इन वीडियोस में से अच्छे वीडियोस जो सिलेक्ट होंगे अराउंड 200 वीडियोस तक, उन लोगों को हम लोग प्राइज देंगे और डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इनके साथ मिलकर हम लोग एक अच्छी मूवी बनाएं, राइजिंग स्टार, जिसमें रियल स्टार, जो एक्चुअल स्टार्स है, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं, वो भी इसमें कलाकार होंगे। और उसके साथ साथ जो कलाकार हमें सिर्फ मोबाइल पे या टिकटॉक पे ऐसे ही दिखते हैं, वो भी इस एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म कहते हैं, फिल्म सीरियल्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हम उन्हें देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म के जरिए से हम लोग उनको भी इसमें लाना चाहते हैं। तो ये दोनों लोग जब एक साथ आपको दिखेंगे तो वो बनेगा राइजिंग स्टार। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एक जरिया बने सबके लिए और आपकी हेल्प डेफिनेटली लगेगी क्योंकि आप लोग ही इस चीज़ को सब तक पहुँचाओगे। सो ये कोशिश है हमारी और मैं जानती हूँ कि आप सब डेफिनेटली हमें इसके लिए सहयोग देंगे। जब कोई भी ऐप या प्लेटफॉर्म जब आता है मार्केट में तो हर व्यूअर्स के जहन में एक बात आती है, ऑथेंटिक कितना है ये? उस पर सवाल जब उठते हैं, ऑथेंटिक कितना है? देखिए कोशिश हर कोई शुरुआत करता है, जैसे एक छोटे से गांव से कोई आदमी आता है, वो कहता है मुझे कलाकार बनना है, फिर वो जब मुंबई आता है तो स्ट्रगल करता है, पहली फिल्म करता है वो फ्लॉप होती है, फिर वो थिएटर्स में जाता है, फिर स्ट्रगल करता है। हर चीज़ के लिए स्ट्रगल तो है। ऑथेंटिसिटी की जहाँ तक बात है, इतने सारे चैनल्स आपने यहाँ पर ये माइक्स रखे हुए हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारी बात आप सब लोगों तक पहुँचाएंगे, लोग हम पे भरोसा करेंगे, लोग हम तक पहुँचेंगे, लोग हम तक पहुँचने के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है,
और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अल्टीमेटली आता है फाइनेंस, पैसा. सो उसके लिए लोग, जब जिस तरह से हम आप पे विश्वास कर रहे हैं या आपकी बातों पर लोग विश्वास करेंगे, वैसे ही जब कुछ फाइनेंस या इस तरह से हम लोग भी उस तरह से सेट हो जाएंगे, तो जो बात हमने कही है आज, हो सकता है ये सपना नहीं रह के एक्चुअल में, हकीकत में सामने आए. कोशिश है, कोशिश है जी. सर आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं इस पूरे उसको लेकर. आप आपका व्यू क्या है? एक्चुअली मेरा व्यू ऐसा है कि हम एक कंपनी, एक ट्रेनिंग एकेडमी हम लोग एक चला रहे हैं जिसका नाम है सक्सेस एक्सेस फॉर यू. सो नए उभरते हुए जो कलाकार होते हैं जिनको इस इंडस्ट्री में काम करना होता है, उनको मालूम नहीं होता है कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके से उनका किस तरीके से उसमें एंटर हो, और उसका हम लोग उनको पूरी तरह से उनको गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, ताकि उनको ऑडिशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होना है, उनको क्या आर्टिस्ट कार्ड लगता है, उनको जो पोर्टफोलियो लगता है वो कौन सा तरीके से उनको पोर्टफोलियो निकालना होता है, तो उनको पूरा गाइडेंस हम लोग देते हैं. उनको एक्टिंग भी हम लोग सिखाते हैं, ताकि जो सिर्फ एक्टिंग बनने की इच्छा रखते हैं लेकिन एक्टिंग कर नहीं पाते और वहाँ तक पहुँच नहीं पाते. एक इंसान जो सोचता है कि मुझे एक्टिंग करना है, उसका एक स्ट्रगल पीरियड होता है. वो स्ट्रगल पीरियड कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली हम लोग ने देखा है कि स्ट्रगल पीरियड बहुत बड़ा होता है. लोगों को 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल लोग स्ट्रगल करते हैं, तो भी वो लोग उनको एक हिट फ्राइडे नहीं मिलता है. हिट फ्राइडे मतलब उनका फेमस नहीं होते. तो हम लोग उनका वो जो स्ट्रगल पीरियड है, वो स्ट्रगल पीरियड कम करके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं. वही प्लेटफॉर्म हम लोग इस मूवीज और इस तरीके से उन लोग को हम लोग इंट्रोड्यूस करके उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं. सर मैं ऑथेंटिक, इस फिल्म के प्रोड्यूसर है दत्ता जवळगे जी, जो जिन्होंने इस इवेंट का भी हो या सारा खर्च वही कर रहे हैं. तो फिल्म तो बनना तय है. अभी बात रही ये कॉम्पिटिशन की, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एनीबडी. यस, जिसको लगता है भाई है, और पब्लिक वोटिंग होगा, क्योंकि पार्शियलिटी नहीं होगी. हम लोग किसी और एक को निकालेंगे नहीं, पब्लिक वोटिंग होगा. फेसबुक और यूट्यूब पे उनके वीडियो डाले जाएंगे, उस पे मिले हुए लाइक्स पे उनको विनर बनाना, मतलब हम नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप? तो ऑथेंटिसिटी इज वेरी क्लियर, सो यू कैन ट्रस्ट और एज यू विश. इतने स्पॉन्सर आपको मिले हैं, क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं आपको? एमआई बड़े बड़े हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हैं, वर्ल्ड लेवल के स्पॉन्सर्स हैं. अभी आप मतलब हाँ, तो आपको अगर मीडिया को चाहिए तो मैं इसकी रिसिप्ट जो उन्होंने मुझे होता है ना, भेजते हैं जब हम प्रपोजल भेजते हैं, उसके बाद वो लोग जो रिप्लाई देते हैं उसकी कॉपीज मैं आपको दे दूंगा. अगर आपको मतलब जो ऑथेंटिसिटी की बात आपने जो बोली है, तो सर क्या होता है कि कोई भी चीज़ इतनी आसान तो है नहीं, लेकिन ट्राई 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 बट डोंट क्राई. हम लोग ट्राई कर सकते हैं.